अप्राकृतिक कृत्य करने वाले युवक को पोस्को सेकंड न्यायालय ने 10 साल कठोर कारावास और 75,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया है। सरकारी वकील रुपेंद्र परिहार ने बताया कि मामला 13 जुलाई 2018 का है, जहां पीड़ित बच्चे के परिजनों ने जगदीश लोहार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके बेटे के साथ जगदीश लोहार ने अप्राकृतिक कृत्य किया, जिस पर ब्यावर सिटी थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज न्यायालय ने आरोपी को 10 साल कठोर कारावास सहित अर्थदंड से दंडित किया है। सर, आज पोक्सो 2 के न्यायाधीश माननीय श्री राजेश चंद्र गुप्ता ने सरकार बनाम जगदीश लोहार के अंदर फैसला सुनाते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया है और अभियुक्त को पोक्सो एक्ट की धारा 5/6 में 10 साल की सजा और 3/4 के अंदर 7 वर्ष की सजा और दोनों विभिन्न धाराओं के अंदर 75,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है। मामला ब्यावर सिटी का है। ब्यावर सिटी में परिवार पीड़िता के परिवार माता ने एक मुकदमा इस आशय का दर्ज कराया था कि मेरा बच्चा घर से बाहर सामान लेने गया, लिमका लेने गया था और वापस आकर उसने बताया कि रास्ते के अंदर उसे अभियुक्त जगदीश मिला और उसे दुकान के पीछे ले गया और उसके साथ अप्राकृतिक कृत्य किया और उससे उसको काफ़ी मेडिकल परीक्षण हुआ। मेडिकल परीक्षण में भी इस चीज़ की पुष्टि हुई। अभियोजन पक्ष की ओर से 20 तो दस्तावेज पेश किए गए और 11 गवाह प्रदर्शित कराए। न्यायालय ने मामले को बहुत ही गंभीर और संगीन मानते हुए अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया। स्वामी न्यूज के सभी दर्शक तरोताजा खबरों के लिए YouTube पर स्वामी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही शहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। यह न्यूज आपको कैसी लगी, इसके लिए हमें कमेंट बॉक्स में आपके अमूल्य सुझाव दीजिए और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें।